आपको कुछ इस तरीके से स्टोरी व्यूज बढ़ाने हैं तो आप कैसे बढ़ा सकते हो, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आपको मैं दो तरीके बताने वाला हूं, एक तो बेस्ट टाइम क्या होने वाला है स्टोरी डालने का, और सेकंड बताने वाला हूं कि आपको कौन कौन से हैशटैग इस्तेमाल करने हैं अपनी स्टोरी में, जिससे आपके इंस्टाग्राम स्टोरीज के व्यूज बढ़ने वाले हैं, इंक्रीज होने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर वन की बात कर लेते हैं कि बेस्ट टाइम क्या होने वाला है। अगर आपको बेस्ट टाइम की बात करें तो शाम के 12 बजे से आप दोपहर के 12 बजे से शाम तक कभी भी डाल सकते हो अपनी स्टोरी, रात के 8 या 9 बजे तक। आपको क्या करना है कि सुबह बिल्कुल भी स्टोरी अपलोड नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप सुबह अपलोड करते हैं तो इतने ज़्यादा लोग पर देख नहीं पाते और दिन भर में देखते हैं, उसके बाद में नाइट में देखते हैं, और अगर अगले दिन हम देखते हैं तो वो जल्दी सुबह हट जाती है। अगर हम शाम को अपलोड करते हैं तो वो दो दिन तक दिन में लोग आराम से देख पाते हैं। तो आपको शाम के टाइम यानी दोपहर के 12 बजे के बाद में अपलोड अपनी स्टोरी को करना होगा। अब सेकंड होने वाला है कि बेस्ट हैशटैग, तो मैं आपको वो मोबाइल की स्क्रीन पर बताऊंगा। सो गाइस, आ चुका हूं मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद में सबसे पहले आपको ऐसा इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना होगा। इंस्टाग्राम को ओपन करने के बाद में आपको स्टोरी वाले सेक्शन में चले जाना होगा और आपको जो भी स्टोरी अपलोड करनी होगी, जैसे मेरे को ये स्टोरी अपलोड करनी है तो मैं आपको क्या करूँगा कि इसमें हैशटैग इस्तेमाल करने होंगे। अब आपको यहाँ पर फोटो में क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक तो जिम दिख रही है और एक जिम बॉय दिख रहा है। अब आपको इसको जिम बॉय दिख रहा है तो आपको जिम के हैशटैग लगाने, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी हैशटैग लगा सकते हो, सिंपली से आपको यहाँ पर जिम में यहाँ पर लगाना होगा जीएम, तो यहाँ से मैं लग करता हूँ जिम, और यहाँ पे उसके बाद में और जिम ही सर्च करना होगा आपको। इसके अंदर में कोई भी सर्च नहीं करना होगा, तो देख सकते हो थोड़ा स्पेस देना होगा आपको, तभी ये लगेगा यहाँ पे हैशटैग। और यहाँ पे जिम बहुत सारे, यहाँ पे अगर आप जिम लिखेंगे तो आपको जिम गर्ल, जिम बहुत सारे आ जाएंगे, तो आपको जिम गर्ल कुछ ऐसे लगाना एक्टिव जो आपको अच्छी तरीके से स्टोरी बूझ जा सके, और आपकी स्टोरी आपको ये पहले पता नहीं होगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे 60 मिलियन है, कई सारे लोगों ने इसको इस्तेमाल कर रखा है। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक और लगा देना होगा कोई भी अच्छा सा, 4-5 यहाँ पे हैशटैग लगाने होंगे आपको, यहाँ पे ज़्यादा नहीं लगाने होंगे, तो स्पेस देना, आपको स्पेस नहीं देंगे तो यहाँ पे कोई टैग नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। उसके बाद में डन पे क्लिक करना होगा और इसको क्या करना है कि हाइड कर देना होगा ताकि लोग बागों को दिख ना पाए। उसके बाद में शेयर पे आपको सिंपली से क्लिक कर देना होगा, और यहाँ पे आपको थोड़ा लोडिंग ले रहा है यहाँ पे, तो आपका अगर इंटरनेट फास्ट होगा तो ये जल्दी लग जाए। उसके बाद शेयर पे क्लिक करना होगा और डन पे क्लिक कर देना होगा। डन पे क्लिक करने के बाद में आपकी स्टोरी अपलोड हो चुकी है। अगर आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपकी स्टोरी नहीं व्यूज नहीं बढ़ते, तो आपको मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना होगा स्टोरी व्यूज, जैसे आओगे आपकी स्टोरी व्यूज इस तरीके से सेंड कर देना होगा। उसके बाद मैं आपका रिप्लाई दूंगा। यहाँ पे थोड़ा मेरा ग्लिच चल रहा है इसलिए मैं रिप्लाई दे नहीं पा रहा, तो उसके लिए सॉरी। तो मेरा ग्लिच ठीक होते ही मैं आप सभी का रिप्लाई दूंगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तक जय हिंद, वंदे मातरम।